इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के जेई मेन के डाउट दे रहे हैं। सबसे तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटता है तो डायरेक्शन उधर जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ताकि जो घटा हुआ प्रेशर है उसको बढ़ा सके। तो जहां पर डेल्टा एनजी जीरो होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दो एनओ दे रहे हैं, तो डेल्टा एनजी जीरो है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या है? 10। टेंथ कह रहे हैं व्हेन रेन इज एकंपनीड बाय ए थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो भी हम लोग भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमने पढ़ा है कि जब रेन और थंडर स्टॉर्म साथ साथ होते हैं तो जो थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग होती है उसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, पहले एनओ बनाते हैं और एनओ जो है एयर के साथ रिएक्ट करके एनओ टू बना लेता है, तो पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच कम हो जाएगा बिकॉज वो जो एनओ टू है वो एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड बना लेगा। फिर 10 के बाद तुमने पढ़ा नहीं कर सकते और बोलो सोल्यूशन में अगले साल पढ़ोगे। 17 कह रहे हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला MX2 इन वाटर इज 4×10^-12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MX2 जब टूटेगा तो M2+ 2x-X- देगा। ठीक है, तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट 4S³=4×10^-12 आ जाएगा। यहां से S की वैल्यू 10^-4 आ जाएगी, तो मेटल का कंसंट्रेशन पूछा ना तो 10^-4 आ जाएगा। उसके बाद अरे भाई देख के रखो कह देते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड स्प्रेड इन अ फ्लास्क ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोजेस फील्ड अमोनियम H2S गैस इन द फ्लास्क। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएजेस इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क इज 0.84। ठीक है, तो रिएक्शन हो रहा है NH4HS गिविंग NH3+H2S, ये तो सॉलिड था तो वो प्रेशर नहीं होगा, ये 0.5 थी ये 0 था, जब डिकम्पोजिशन हुआ तो ये 0.5+X हो जाएगा, ये X हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर 0.84 है। यहां से 0.5+2x=0.84 हो गया, x की वैल्यू 0.34/2 होकर के 0.17 आ गई। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी हो जाएगा 0.67×0.17। अमोनिया का प्रेशर 0.67 और इसका 0.17 मल्टीप्लाई कर लोगे जो भी नंबर आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.17 करीब करीब 1/6 होता है, तो 0.67/6 0.11 आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, और कौन सा है, ये आंसर नहीं है, यही आंसर, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में गलती कर दी हुई थी, दो ही बातें, या तो एडिशन में गलती करो या डिवीजन में डिवाइडेड बाय 2 करने में या मल्टीप्लाई करने में। कौन सा क्वेश्चन अगला? 25। अच्छा ठीक है, तो भाई 25 में थोड़ा सा इन्होंने ई नॉट वैल्यू की बात कर दी, तो बता देता हूं ये सवाल नॉन स्टिक क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये कह रहे हैं Eg
प्लस आयोडाइड माइनस गिव्स एजी आई प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी इनॉट वैल्यू 0.152 है, ठीक है। और दूसरे में एजी गिव्स एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी इनॉट वैल्यू 0.8 है, ठीक है। तो अरे बाप रे, -0.8 दे दी क्या? Yes. अच्छा चलो खोल दे। तो हम क्या करेंगे बेटा, ई नॉट वैल्यू से मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, लंबा है, डेल्टा जी निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है। अभी पता सुन, तो इस रिएक्शन की तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, और फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। वहां से हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इन दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, भी लाइट आ जाती है तो इसके बाद बताते हैं क्या होगा। तो Ag प्लस आई माइनस गिव्स एजी आई, और एजी प्लस इलेक्ट्रॉन है, और एजी गिव्स एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करूं तो एजी आई इधर आ जाएगा और एजी प्लस आई माइनस उधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, एजी से एजी कट जाएगा, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा एजी आई गिव्स एजी प्लस प्लस आई माइनस, ठीक है। और इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएसपी है, तो केएसपी जो आ जाएगा वो के टू बाई के वन आ जाएगा। अब चाहो तो ये निकालो चाहे ना निकालो, क्योंकि के टू बाई के वन आ गया है, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, के टू बाई के वन की जगह पर तुम क्या करोगे, यहां से माइनस आर टी एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू, ऐसे करके फिर मैथमेटिक्स है वो सॉल्व कर लो, ठीक है ना। माइनस आर टी एल एन के टू बाई के वन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन, ठीक है। तो मैं ये चलो यहां से के निकालो, यहां से के निकालो, के टू बाई के वन निकाल के डायरेक्टली यहां से निकालो, ठीक है। वही बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पर मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या करोगे, पलट लेते हैं भाई इस रिएक्शन को हम। चलिए इसमें एफ क्या है, इक्वेशन टू एफ भैया एक चीज है फैराडे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे तो एजी आई गिव्स एजी प्लस प्लस आई माइनस आ जाएगा, और जिसका ई नॉट आ जाएगा, ठीक है। पर अब यहां पर बुराई मुझे क्यों लगती है, क्योंकि इस रिएक्शन के ई नॉट शब्द का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा नेट नेट, ठीक है ना। इसलिए मैं जैसे कह रहा था वैसे कहना पसंद करूंगा, बिकॉज वो वास्तव में दो रिएक्शन है जिनमें चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, एड ट्रैक करते तो इलेक्ट्रॉन कट जाता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है जिसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। इस रिएक्शन का ई नॉट के कुछ है, ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ है, ये तो ऑब्वियसली सही बात है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एथिल H2O इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। अरे भाई बड़ा आसान सवाल है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है ये देखो, मैंने बताया नहीं क्या कभी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 26 में H2A gives H plus plus HA minus KA1 है और HA minus gives H plus plus A2 minus KA2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा H2A gives 2H plus plus A2 minus, ये तुम्हारा KA1 into KA2 है जो कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिंपली मल्टीप्लाई होता है। ओवरऑल डिसोसिएशन का मतलब है एसिड का पूरा पूरा डिसोसिएशन हो जाए, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 26 के बाद 27 कह रहा है PKa ऑफ अ वीक एसिड इज 4.5, ठीक है। अब कह रहा है POH ऑफ एन एक्वस बफर सॉल्यूशन ऑफ HA इन विच 50% एसिड इज एसिड। ये बहुत आसान सवाल है, HA का एक सॉल्यूशन है इसमें 50% HA है और 50% A माइनस है, तो हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है, pH इज इक्वल टू PKa माइनस log ऑफ एसिड बाई सॉल्ट। तो 50% एसोसिएशन में दोनों इक्वल कट जाएंगे तो log 1 जीरो हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू PKa हो गया, ये 4.5 हो गया, और चूंकि POH पूछ रहे हैं तो वो 9.5 हो गया, 14 माइनस 4.5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 29 में कह रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शन X gives 2y और दूसरा क्या है Z gives P plus Q, ठीक है। दे आर इन द रेशो ऑफ दे KP1 KP2, दे KP1 है कि KP2 है, ठीक है। अच्छा, दे आर रेस्पेक्टिवली इन द रेशो ऑफ 1:9, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्स एंड वाई बी इक्वल। तो इसमें क्या हो जाता, छोटी सी समस्या है, बता सॉल्व करने पड़ेगा, कुछ है नहीं। मान लो x है जो 2y में जा रहा है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन c होता, जीरो होता तो c1 माइनस अल्फा होता, ये 2c अल्फा हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर लिखूं तो इसका पार्शियल प्रेशर p0 इंटू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, इसके मोल अपॉन टोटल मोल करेंगे, इसके मोल हो जाएंगे 2c अल्फा और टोटल मोल हो जाएंगे c1 प्लस अल्फा, c कट जाएगा तो 2 अल्फा पर 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, इसलिए kp की वैल्यू हो जाएगी और इसका पार्शियल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा p0, ठीक है। तो kp की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म, तो यहां पर आ जाता है 4 अल्फा स्क्वायर, ऊपर p0 स्क्वायर है और नीचे p0 है, तो 4 अल्फा स्क्वायर p0 और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इस 1 प्लस अल्फा से कट जाता है, तो एक 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। एक ही हो गई KP1 हो गई, ठीक है। जब मैं KP2 लिखूंगा, मैं सारा काम नहीं करना चाह रहा, पर जब x गिव्स या जेड किस पी प्लस क्यू होगा तो ये c1 माइनस अल्फा होगा, ये c अल्फा होगा, तो इसका पार्शियल प्रेशर तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा p0 होगा, इसका ट्वाइस ना होकर के सिंपली p0 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, सब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा, बस 4 नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब मैं रेशो लूंगा, चूंकि कह रहे हैं कि अल्फा कांस्टेंट है तो ये टर्म तो कट गए, तो अल्फा सेम है, तो ये हो जाएगा 4 × p0 1 अपॉन p0 2, ये kp1/kp2 है, ठीक है। और यहां पर kp1/kp2 कितना दे रखा है 1/9, तो यहां से k
पी नॉट वन बाई पी नॉट टू अगर पूछ रहे हैं तो 1/36 आ गया, पूछ क्या रहे हैं तो पहले x वाले का पूछ रहे हैं इसलिए यही पूछ रहे हैं तो 1/36 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह के सवाल ऑलरेडी कर रखे हैं जो रिमेंबर ना, बस नॉर्मल सवाल में क्या होता था या तो ये वाला केस होता था या तो वो वाला केस होता था, ये तो दोनों सवाल एक बार में पूछते 36। में कह रहे हैं द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज 5×10⁻¹3, द क्वालिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड मोलर मास टेकन 120 ग्राम पर मोल टू बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr। भाई तो बहुत खटिया सवाल पूछ लेते हो, Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.05, Br- का कंसंट्रेशन क्या हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 5×10⁻¹3 हो जाए, ये 5×10⁻¹2 है, ये नंबर कितना जाएगा 10⁻¹-11। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें 1 लीटर में 10⁻¹11 मोल ऐड करने, तो 120 ग्राम है मोलर मास, तो 120×10⁻¹11 ये आंसर है। ठीक हाँ, तो ये आ गया आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 1.2 करेंगे तो 10⁻¹9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद बोलो हो गया, हो गया, चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।